एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के गोकुलदास अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दिन में 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संदिग्धों के इलाज के लिए निर्धारित येलो कैटेगरी में शामिल इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वजनों का गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें संबंधित परिवार के लोगों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वीडियो में स्वजन बता रहे हैं कि एक दिन में 4 लोगों की मौत हो गई। ये देखो वो गोकुलदास हॉस्पिटल की कंडीशन, एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। हम 4 जने थे और आधी घंटे के अंदर 4-3 जनों का बहुत अच्छी बातचीत करके आए और सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है, ये ग्रीन नहीं है, इनका अस्पताल खाली करके ना बड़ा अस्पताल सैनिटाइजर करना है, तो चक्कर में सबकी इन्होंने डेट कर दी है। 2 दिन पहले बोला था इन्होंने एक तो कि हम ग्रीन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे पूरा अस्पताल, सैनिटाइजर के चक्कर में ये पूरा खाली कर रहा है और जिनको सबको डेट कर रहा है, आधे घंटे के अंदर 3 जनों को ये बाजी आ रही है, बाजी आ रही है, रोते हुए इनको देखिए, इनकी बेबाजी नहीं हुई। ये 24 दिन से एडमिट थी, ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। 10 मिनट पहले मैं मेरी अम्मी से बात करके आई, उन्होंने बोला कि अच्छी हूँ, वो 10 मिनट बाद आके कहा कि डेड हो गई। मैं गोविंद प्रजापत बोल रहा हूँ, मेरे पापा अभी ठीक थे 4:30 बजे तक, उसके बाद ना इन्होंने क्या मतलब क्या करा, इन्होंने 4-5 डेट कर दी आधी घंटे में, आधे घंटे के अंदर 5 डेट करी इन्होंने, सब ठीक थे। ये कह रहा है कि हमें सैनिटाइजर करना अस्पताल, वो पूरा सैनिटाइजर करना है। मेरे फादर की डेथ हुई है, अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। अगर आप अगर मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, हम कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं, और पैसा देने के बाद भी हमारे पिताजी लास्ट में हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है, और हमारे को मेडिकल वालों तक ने नहीं छोड़ा, सब ने नहीं छोड़ा, अस्पताल ने नहीं छोड़ा। अगर इनको करना था तो दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर देते, कम से कम इंसान की जान तो नहीं लेते, कहीं सरकारी में पटक देते, वहाँ सवार आ जाता कुछ, हमें डिस्चार्ज करके सरकारी में डाल देते, गिरी करना था तो। परिवार वालों द्वारा अस्पताल की लापरवाही का एक वीडियो वायरल करने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने तत्काल ही CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया, अपर CMHO डॉक्टर माधव हसानी, MYH के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर, कोविड अस्पताल MRTV के इंचार्ज डॉक्टर सलील भार्गव, चेस डिपार्टमेंट के डॉक्टर VP पांडे की एक टीम को गोकुलदास अस्पताल भेजा। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में अस्पताल को बंद करने का फैसला लिया, साथ ही गोकुलदास अस्पताल में भर्ती सभी 14 मरीजों को एमवा अस्पताल के न्यू TV एंड चर्च अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। इन सभी मरीजों को शुक्रवार सुबह गोकुलदास अस्पताल से हटा दिया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था और उसकी सूचना कलेक्टर महोदय के द्वारा दी गई कि आपको इसकी जांच करना है, पता करना है प्रारंभिक स्थिति में क्या है यहाँ पे। तो मैं, मेरे साथी डॉक्टर माधव हसानी और डॉक्टर अमित मालाकार, हम तीनों लोग यहाँ पर आए और हमने अभी प्रारंभिक रूप से समस्त दस्तावेजों की जांच की है और दस्तावेजों को सील करके अपना कब्जे में ले लिया है। ये ज्ञात हुआ है जो कि वीडियो में चल रहा था कि आधे घंटे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, तो आज दिनांक को यहाँ पर टोटल 4 मृत्यु होने पाया गया है, जिनमें से एक मृत्यु सुबह हुई थी 11:25 पर, बाकी 3 मृत्यु 1.25 घंटे के अंतराल में 3 मृत्यु हुई है। पहली मृत्यु उसमें से 3:40 पर हुई थी, दूसरी मृत्यु 4:45 पर और तीसरी 5:30 बजे। इस तरह से लगभग 1.25 घंटे के अंतराल में 3 मौतों का होना पाया गया। दस्तावेज का परीक्षण करने पर ये पता चला कि ये तीनों मरीज वायलेटेड निमोनिया यानी कि फेफड़ी की बीमारी की रहते हुए यहाँ भर्ती किए गए थे। इनमें से 2 लोगों की कोविड की जांच नेगेटिव आ चुकी थी, सुबह जिनकी मृत्यु हुई है उनकी भी नेगेटिव जाँच आ चुकी थी, शाम को 3:40 पर जिनकी मृत्यु हुई है, पहली मृत्यु जिनकी हुई थी श्रृंखला में, उनका कल ही एडमिशन हुआ था और आज सैंपल लिया गया था, उनकी जांच अवेटेड है, अन्य तीनों की जांच निगेटिव। अभी एक मरीज गंभीर स्थिति में ICU में भर्ती है और 12 अन्य हैं जो कि जनरल वार्ड में भर्ती है। मैं ऐसा नहीं समझता कि उससे प्रशासन की कोई चूक का विषय है, क्योंकि जो कागज़ हम देख रहे हैं जिनकी अभी प्रारंभिक जाँच की गई, इसमें ये जो नोट्स पड़े हुए हैं डॉक्टर के, एक 25 दिन से एक महिला भर्ती थी जिसमें जिसको वायलेटेड निमोनिया के साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की भी शिकायत थी। दूसरी जो मृत्यु हुई है वो 7 दिन तक यहाँ पर रही है और तीसरी जो मृत्यु हुई है वो यहाँ पर कल ही आई थी और आज मृत्यु हुई है।
किसकी कितनी चूक है ये देखने के लिए हमें पूरे दस्तावेज हमने जब्त कर लिए हैं, पूरा सघन जांच की जाएगी, तत्पश्चात ही ये बताया जा सकेगा कि इसमें प्रशासन की, अस्पताल प्रशासन की खास मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, अस्पताल प्रशासन की इसमें कितनी चूक है, और तत्पश्चात ही निर्धारित किया जाएगा कि क्या किया। सैनिटाइजेशन की दो चीज़ें आपके प्रश्न से पैदा हो रही हैं कि पहला तो ये बात आई कि सैनिटाइजेशन किया गया उस दौरान मृत्यु हुई, तो एक जो मरीज भर्ती है उनके अटेंडेंट्स का ये कहना है कि सैनिटाइजेशन किया जाएगा ऐसा बताया गया था, आज किया नहीं गया है। दूसरा आपका जो प्रश्न है कि क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था है, तो ये अस्पताल प्रशासन अगर सैनिटाइजेशन करता है तो बाकी मरीजों को कहाँ शिफ्ट करना है, इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, ये अस्पताल प्रबंधन से पूछना है, क्योंकि इस वक्त सभी के फोन बंद आ रहे हैं और किसी से भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः इसकी जानकारी कल सुबह संबंधित जो भी यहाँ के संचालक हैं उनसे लेकर ही दी जा सकेगी कि उन्होंने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की है अथवा नहीं। यदि उनके पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है तो ये प्रशासन अपनी ओर से उसमें व्यवस्था करेगी और इन्हें अन्यत्र किसी अस्पतालों में भर्ती कराएगी। लापरवाही आने पर जो हमारा नर्सिंग होम एक्ट है उसके तहत जो भी प्रोविज़न है उसके कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस वक्त जो एपिडेमिक एक्ट चल रहा है उसमें यदि ये लापरवाही पाई जाती कि किसी भी वजह से जान गई है तो उनके खिलाफ संबंधित कानून में कार्रवाई की। निश्चित तौर पर सैनिटाइजेशन भी निश्चित समय अवधि के बाद कराया जाना चाहिए। होता ये है कि जैसे जैसे पेशेंट्स खाली होते जाते हैं उन हिस्सों का सैनिटाइजेशन किया जाता है। आजकल सैनिटाइजेशन या फ्यूमिगेशन जो होता है ये बहुत कम समय में उस चीज़ उस क्षेत्र को कीटाणु रहित कर दिया जाता है। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके आधार पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करके ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो वहाँ का सैनिटाइजेशन एक नियमित अंतराल के बाद किया जाना चाहिए। क्या कहना होगा? जो निकट परिजन जिनसे जानकारी मिलने की संभावना थी वो एक ही व्यक्ति थे जो जिनकी मदर आईसीयू में भर्ती थी, उनसे जानकारी भी नहीं है और उनका बयान भी हमने दस्तावेज किया है। उनका ये कहना था कि उनकी जानकारी में आज सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था बल्कि कल सैनिटाइजेशन करने की उनको बात की गई। ये तीनों मरीज आईसीयू में भर्ती थे और गंभीर स्थिति है। निश्चित तौर पर एक्शन किया और आपको एक्शन अभी त्वरित हम लोगों ने आपकी जांच प्रारंभ कर दी है और इसका परिणाम भी जल्दी ही सामने। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पूरे मामले का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, इंदौर के गोकुलदास अस्पताल की यह दशा स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। शिवराज सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इन सभी परिजनों के सवालों का जवाब और स्पष्टीकरण देते हुए इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जाँच करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।